हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप वो ट्रिक यूज़ करेंगे तो आप लोगों को हर टूर्नामेंट में तीन तीन स्टार्स मिलते रहेंगे दोस्तों। हर टूर्नामेंट में आप लोगों को तीन तीन स्टार्स मिलेंगे और आप लोगों को अंत में 650 प्लैटिनम कॉइंस भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को वो 650 प्लैटिनम कॉइंस कैसे मिलेंगे वो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले दोस्तों, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को जो है शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है दोस्तों, जल्दी से जाओ, जाकर फॉलो करो और मेरे से आप बात कर सकते हो। जो भी आप कहना चाहते हो मेरे से बात कर सकते हो दोस्तों, तो जल्दी से जाओ जाकर सब लोग फॉलो करो दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे तीन स्टार्स जो है, मतलब कैसे हर टूर्नामेंट में आप तीन स्टार्स कलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको कैसे 650 प्लैटिनम कॉइंस जो है कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी आप लोग देखते होंगे आपका जो प्लेयर का परफॉर्मेंस है, मतलब जो भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हो उसका प्लेयर का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन आपको अंत में जो तीन स्टार्स है वो नहीं मिलते। कभी कभी एक स्टार मिलता है या कभी कभी दो स्टार मिलता है, लेकिन पूरे के पूरे तीन स्टार्स जो है आप लोगों को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये क्योंकि एक एक स्टार के लिए आप लोगों को अलग अलग मिशंस करना पड़ता है दोस्तों, मतलब एक स्टार के लिए अलग मिशन और दूसरे स्टार के अलग मिशन। जैसे अगर आप तीन स्टार्स का तो जो तीन मिशन है वो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को तीन स्टार्स उस टूर्नामेंट में मिलेंगे दोस्तों। मतलब आप लोगों को जो तीन स्टार्स मिलने वाले वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिशन कंप्लीट करने के बाद ही मिलेंगे दोस्तों। तो वो क्या क्या मिशन से मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, पहला स्टार आप लोगों को गेन करने के लिए आप इधर देख सकते हो, कंप्लीट ऑल मिशन इन सीरीज, मतलब आप जो भी टूर्नामेंट खेल रहे हो उसमें जो भी मिशन आया वो सब आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को जो स्टार है मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे अभी ये क्या मिशन हम लोग को करना है। तो दोस्तों, जब भी आप मैच स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को बोनस मिशन एक टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा, आप इधर देख सकते हो। तो स्कोर हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज इन ऑफ साइड, मतलब ऑफ साइड में आप लोगों को जो हैट्रिक है सिक्स मारना, बाउंड्रीज मारना पड़ेगा। तो ये मिशन अगर आप कंप्लीट करेंगे, मतलब जितने भी मैचेस हैं उन सारे के सारे मैचेस में आप लोगों को ये वाला मिशन मिल जाएगा, इस टाइप का बोनस मिशन मिल जाएगा दोस्तों। ये बोनस मिशन आप कंप्लीट कर देंगे तो आप लोगों को एक स्टार जो है मतलब मिल जाएगा, मतलब हर मैच का आप लोगों को बोनस मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप हर मैच का बोनस मिशन जो है कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लोगों को एक स्टार मिलेगा। तो दोस्तों, सेकंड मिशन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दो बार मैन ऑफ द मैच बनना पड़ेगा दोस्तों, मतलब वो कभी भी हो सकता है, जो भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दो बार मैन ऑफ द मैच बनना, दो बार आप लोगों को मैन ऑफ द मैच बनना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को टू स्टार्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये वाला मिशन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं तीसरा मिशन का। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैन ऑफ द सीरीज़ बनना पड़ेगा दोस्तों, मतलब आप जो भी टूर्नामेंट खेल रहे हो उसके ऊपर अगर आप मैन ऑफ द सीरीज़ बन जाएंगे तो आप लोगों को तीनों के तीनों स्टार्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वाला मिशन जो है थोड़े बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को मैन ऑफ द मैच बनना थोड़े बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो। दोस्तों, अभी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आप लोग कैसे तीनों के तीनों स्टार्स, आप कैसे एक ही टूर्नामेंट में तीनों के तीनों स्टार्स गेन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले आप लोगों को कैसा 650 प्लैटिनम कॉइंस मिलेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन पहला वाला आप नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को जो 650 प्लैटिनम कॉइंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं पहला आप लोगों को बता दिया आप कैसे जो स्टार्स है आप कैसे गेन कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्टार्स गेन करेंगे तभी आप लोगों को ज़्यादा प्लैटिनम कॉइंस इधर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर आप प्लैटिनम कॉइंस गेन करना चाहते हो तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्टार्स गेन करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग को जितना हो सके आप लोग को हर टूर्नामेंट में आप लोग को तीन तीन स्टार्स गेन करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे स्टार्स गेन कर आप कैसे प्लैटिनम कॉइंस जो है अर्न कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप इधर देख सकते हो, जैसे आप 15 स्टार्स जो है अर्न करेंगे उसके बाद आप लोगों को 50 प्लैटिनम कॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। मतलब अगर आप 15 प्लैटिनम कॉइंस आप लोग कैसे भी कर इकट्ठा कर लेंगे, मतलब कैसे भी कर आप अर्न करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को 50 प्लैटिनम कॉइंस जो है अर्न कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप और 15 स्टार्स जो है कंप्लीट करेंगे, मतलब जो भी है, मतलब 30 स्टार्स अगर आप कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप लोगों को 100 प्लैटिनम कॉइंस का रिवॉर्ड मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इधर ही आप लोगों को 150 प्लैटिनम कॉइंस का रिवॉर्ड मिल जाएगा। उसी तरीके से और 15 स्टार्स अर्न करेंगे, मतलब और 45 स्टार्स अर्न करेंगे तो आप तब आप लोगों को और 100 प्लैटिनम कॉइंस का रिवॉर्ड मिला जाएगा दोस्तों। तो इधर ही आप लोगों को 250 प्लैटिनम कॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे आप सीज़न एंड करेंगे, मतलब जो आपका सीज़न जो है एंड हो जाएगा, उसके बाद आखिरी में आप लोगों को 400 प्लेटिनम कॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो आप लोगों को अंत में एक ग्रेड मिलेगा दोस्तों, वो ग्रेड आप लोगों को स्टार्स के बेस पर मिलेगा। अगर आप लोगों को अच्छा स्टार्स जो भी है, अच्छा स्टार्स आप लोगों के पास है, मतलब आप लोगों के पास ज़्यादा स्टार्स है, तब आप लोगों को जो प्लेटिनम कॉइंस जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों का जो स्टार्स कम होगा तो आप लोगों को 400 से नीचे प्लेटिनम कॉइंस का देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा प्लेटिनम कॉइंस चाहिए तो आप लोगों को जो ग्रेड है अच्छा होना चाहिए, वो ग्रेड आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टार्स के थ्रू ही मिलेगा दोस्तों। और उसके बाद आप लोगों को पूरे के पूरे इधर हो जाएंगे आप लोगों को 650 प्लेटिनम कॉइंस। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में बता दिया आप कैसा 650 प्लेटिनम कॉइंस अर्न करेंगे, और आप लोगों को ये भी मैंने डिटेल में बता दिया आप कैसा हर टूर्नामेंट में 3-3 स्टार्स कैसे गेन करेंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक है दोस्तों, आप ज़रूर जाकर फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है, जो भी मेरे साथ बात करना है, तो उधर से भी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जाओ और जाकर फॉलो करो दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अलविदा।